आज मैं आपके सामने अपने बलिया की बाटी और चोखा की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जो बाटी और चोखा की रेसिपी देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो बागी बलिया की इस बाटी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। जो मेरी डिश है बाटी और चोखा, ये बलिया की बहुत ही फेमस डिश है। इसके बारे में आई बिलीव सभी लोग जानते होंगे, और जब बलिया की बात आती है तो बाटी चोखा की बात ना आए तो फिर वो कैसे हो। इसके लिए मैं आज आपको अपनी बलिया की कुछ रेसिपी बाटी चोखा की शेयर करती हूँ। ये है सत्तू, जो बलिया का ही है क्योंकि मैं बलिया से ही बिलोंग करती हूँ। इसके लिए मैंने चॉप करके ये रखा हुआ है अनियन, इसको मैं इसमें मिलाती हूँ। ये जो अनियन है ये डेढ़ अनियन है, और ये मैंने ग्रीन चिली रखा है, इसको बढ़िया से चॉप किया हुआ है। ये 8 से 10 ग्रीन चिली है, क्योंकि स्पाइसी नहीं होगा तो फिर तीखेगा, मज़ा नहीं आएगा। और ये है हरा धनिया, जो कि खाने में तो टेस्ट लाता ही है, देखने में भी और अच्छा लगता है। और ये है मेन इन्ग्रेडियंट जो है वो है हमारा लहसुन। जब लहसुन पड़ता है इसमें, लहसुन में आप कंजूसी मत करिएगा, अगर कंजूसी करेंगे जो बलिया का जो मेन फ्लेवर है वो नहीं आएगा। लहसुन लिया है ये 2 पोटी है, और ये है अदरक जिसको मैंने बढ़िया से चॉप कर दिया है। सबको इसमें मिलाती हूँ। मैंने इसमें 2 भरे हुए मिर्चे के अचार यूज़ किए हैं। फिर मैंने इसमें 1/2 चम्मच कलौंची, या आप इसको मंगरेल भी बोल सकते हैं, जो हम लोग की तरफ मंगरेल ही बोला जाता है। और ये मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन यूज़ किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, और इसमें मैं कुछ जो मेन हम लोग का जो पड़ता है जिससे अच्छा टेस्ट आता है, ये है आम का अचार का तेल और मसाला। तो जो इसका खट्टापन और स्पाइसी जो होता है वो इसी से आता है। तो इसमें जो है आप खटाई, मिर्चा, तेल, नमक और लहसुन, इन सब चीज़ में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, इसको डालिए। के बाद इसमें थोड़ा सा, आधा मैंने नींबू निचोड़ा है, के अनुसार नमक मिलाती हूँ। ये आटा में मैश होता है इसलिए इसमें थोड़ा नमक जो है ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल से। और ये मिलता है इसमें तेल, तेल डालने में कोई कंजूसी नहीं, तो तेल डालिए और बलिया वाला एकदम स्पाइसी सत्तू तैयार करिए। तो एकदम बढ़िया से मैश हो चुका है, अब ये एकदम स्टफिंग के लिए रेडी है। लेकिन मैं इसको 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद स्टफ करूंगी। तब तक मैं बाटी के लिए आटा गूंथ लेती हूँ और चोखा की प्रिपरेशन करती हूँ। देखिए आटा मैंने गूंथ लिया है, ये बहुत ही हार्ड होना चाहिए, और ये मेरा सत्तू तैयार है। अब चलते हैं इसको स्टफ करने। इसके लिए मैंने ऐसे गोल लोई ली। वैसे तो हमारे बलिया में जो सत्तू बाटी बनती है वो कंडी पे बनती है, तो लखनऊ में मेरे पास कंडी तो अवेलेबल नहीं है। मैं इसको जो है गैस के तंदूर ओवन पे इसको कुक करूँगी। इसको मैंने पहले से ही गर्म कर दिया है, छोटी छोटी भौरी बना लूँगी, और इसको मैं ओवन के तंदूर पे खूब बढ़िया से बेक करूँगी। बाटी ऐसे तैयार कर ली है, इधर मेरा गैस तंदूर ओवन भी रेडी है, इसमें मैं एक एक करके रखती हूँ। ये शुरुआत में एक तेज फ्लेम पे, उसके बाद जो है ये एकदम स्लो फ्लेम पे बनता है, तो इसको बनने में 15 से 20 मिनट लगता है। ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, और बाटी जो है
हल्की हल्की लाल होना स्टार्ट हो गई है। अब जो है मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी, मीडियम आंच पे ये सारा पकेगा। ये देखिए कितना बढ़िया से कुक हो चुका है, एकदम फट गया और ये रेड रेड। अब जो है कुछ भौरी जो पहले से पड़ी थी वो एकदम रेडी है खाने के लिए, इसको गर्मा गर्म सर्व करिए घी के साथ। ये देखिए मेरा बागी बनिया की बाटी एकदम रेडी है सर्व होने के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी पूरे वीडियोस को देखे होंगे तो इसको अपने घर में बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और सबको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट करना ना भूलिए। तो मैं प्रियंका WNW वुमेन एंड वर्क से, थैंक यू।